नमस्कार, स्वागत है आपका नाइन टीवी में और मैं हूं ऋतुपेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से कश्मीर को लेकर बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने को लेकर उन्होंने कई बार बयान दिया और दो हफ्ते पहले जिस तरह से G7 में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया था कि ये दोनों देशों के बीच की बात है, इसमें कि हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा देश इसमें आकर हस्तक्षेप करे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से मध्यस्थता को लेकर जो बात है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। हालांकि बात की जो शुरुआत थी वो यहां से हुई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति पहले देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं दो हफ्तों से कम दिखाई दे रही है, लेकिन इस तनाव की कमी के साथ साथ ही उन्होंने एक बार फिर से मध्यस्थता का जो राग है वो अलापा है। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा था कि वो चाहे, अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो मध्यस्थता करा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं कि कोई तीसरा देश आकर हमारे बीच मध्यस्थता स्थापित कर सके। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कहीं ना कहीं ये साफ बयां करता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से मुकर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत और अगर पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसमें अगर मध्यस्थता कराई जाए तो उनको कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी मिल सकती है, उनकी कहीं ना कहीं दुनिया में तारीफ हो सकती है और इसी को लेकर कह सकते हैं कि कोशिशें उनकी तरफ से लगातार जारी है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।